राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज चैत्र मास सप्तमी तिथि के दिन मैं आपको सुना रही हूँ शीतला माता की सप्तमी और अष्टमी के दिन सुनी जाने वाली कथा। बंधुओं, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी के नाम से जाना जाता है। बंधुओं, ऋतु परिवर्तन के समय ऐसा माना जाता है कि शीतला माता की पूजा करने से ऋतु परिवर्तन से होने वाली बीमारियां नहीं लगती। बंधुओं, शीतला माता के व्रत रखने से शीतला माता आप पर प्रसन्न होकर आपको बहुत सी बीमारियों से बचाती हैं। बंधुओं, यदि आप ये व्रत रखने में समर्थ नहीं हैं, तो आप शीतला माता को कच्ची लस्सी चढ़ाएं और बाजरा, गुड़ और रोट अर्पित करें। बंधुओं, अब मैं आपको शीतला माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। बोलो शीतला माता की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बांसुरी के दिन शीतला माता की पूजा करती और ठंडी रोटी खाती। उसके गांव में और कोई भी शीतला माता का पूजन नहीं किया करता था। एक दिन उस गांव में आग लग गई, जिसमें केवल बुढ़िया की झोपड़ी को छोड़कर सब की झोपड़ियां जल गई। इसमें सब लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। तब वे सब लोग उस बुढ़िया के पास आए और इसका कारण पूछने लगे। तब बुढ़िया बोली, मैं तो बांसुरी के दिन ठंडी रोटी खाती हूँ, शीतला माता की पूजा करती हूँ। तुम सब लोग ये काम नहीं करते हो, इससे तुम्हारी झोपड़ियाँ जल गई और मेरी झोपड़ी बच गई। तभी से पूरे गांव में बांसुरी के दिन शीतला माता की पूजा होने लगी, सब ठंडी रोटी खाने लगे। हे शीतला माता, जैसे तूने उस बुढ़िया की रक्षा की, वैसे सब की रक्षा करना। बोलो शीतला माता की जय हो। बंधुओं, शीतला माता की पूजा ठंडे वार को करनी चाहिए, जैसे कि सोमवार, बुधवार और या फिर शुक्रवार। इसके अलावा शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। बंधुओं, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे स्वस्थ रहें, तो शीतला माता की पूजा अवश्य करें। बंधुओं, शीतला माता की पूजा छोटे बच्चों की माओं को तो अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों को छोटी माता, बड़ी माता और इसके अलावा टाइफाइड, ये सभी बीमारियां बहुत जल्दी लगती हैं। यहाँ तक कि कहा जाता है कि जो जुकाम और खांसी है, वे भी शीतला माता के प्रकोप के वजह से ही आते हैं। सो बंधुओं, शीतला माता की पूजा अवश्य करें। बंधुओं, शीतला माता को कच्ची लस्सी जरूर चढ़ाएं और कच्ची लस्सी चढ़ाने के बाद वहां से चढ़ी हुई लस्सी में से अपनी उंगलियों को टच करके अपनी आंखों पर लगाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी आंखों की रोशनी कभी भी कम नहीं होगी। बंधुओं, वह कच्ची लस्सी आप अपने बच्चों की आंखों पर भी लगाइए, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चों के ही आंखों पर बड़े बड़े चश्मे चढ़ गए हैं। बंधुओं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की आंखों की रोशनी बरकरार रहे, तो शीतला माता पर चढ़ी हुई कच्ची लस्सी को बच्चों की आंखों पर जरूर लगाएं। बंधुओं, इसके अलावा आप शीतला माता को दो कौड़ी भी जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होगी। बंधुओं, यदि आप शीतला माता से अपनी कोई मनोवांछित इच्छा चाहते हैं, तो शीतला माता से प्रार्थना करके अपनी इच्छा रखें कि हे शीतला माता, मेरी ये इच्छा पूरी करें, मैं आते साल आपको श्रृंगार का सामान और चुन्नी चढ़ाऊंगी। बंधुओं, देखना कुछ ही दिनों में आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और आप आते साल शीतला माता को श्रृंगार का सामान और चुन्नी चढ़ाना ना भूलिएगा। बंधुओं, शीतला पूजा के दिन यदि आप कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे आपको हानि होती है, अब मैं आपको वो काम बताने जा रही हूँ। बंधुओं, जब आप शीतला माता की पूजा करते हैं और ठंडी रोटी खाते हैं, उस दिन भूलकर भी
सिर ना धोएं और सिलाई का कोई काम ना करें, सुई में धागा ना पिरोएं, इसके अलावा सिलाइयों पर बुनाई भी ना करें। बंधुओं, मशीन से सिलाई भी भूल कर भी ना करें, चक्की और चरखा भी ना चलाएं। बंधुओं, कहा जाता है यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। बंधुओं, इसके अलावा शीतला अष्टमी के दिन गंगौर की पूजा के जुआरे भी बोए जाते हैं। बंधुओं, यदि आप ये सब करते हैं तो शीतला माता की आप पर अपार कृपा होगी। बंधुओं, शीतला माता की पूजा के दिन अधिक से अधिक जप भी खाएं, बासी खाना ही खाएं और अपने बच्चों को भी बासी प्रसाद ही दें। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।